Do you know, friends, what is ego? Or do you want to know what is ego? Listen to this carefully. Ego is an old conditioned mind pattern. अगर इसको मैं हिंदी में कहूँ तो ये क्या है? एक पुरातन घड़ित मन की विचारधारा है. पुरातन घड़ित is equal to कि जो विचारधारा मेरी कुछ सालों पहले थी लेकिन वो अभी भी स्थित हैं मेरे मन में, और वो विचारधारा मेरे मन में आज के दिन के भी उसी जगह पे स्थित हैं, और उसका स्तर भी वही है. उसका स्तर ना नीचे गया है ना आगे गया है, और उसके आगे या पीछे कुछ भी अगर एक्सेप्ट करने की बात आती है तो मेरा मन उसको एक्सेप्ट नहीं करता. तो ईगो क्या है? ईगो इज इक्वल टू एन ओल्ड कंडीशनड माइंड पैटर्न. अब आगे सुनिए, ये मैंने पढ़ा है ईगो के बारे में, और मैं सबसे शेयर क्यों कर रही हूँ इस जगह के साथ, क्योंकि ईगो हम सब में होता है, लेकिन हमें किसको पोषित करना है? अपने ईगो को, अपने अहम को, या फिर ज्ञान को? किसको पोषित करेंगे आप? ईगो को, ज्ञान को? ईगो को या विनम्रता को? ईगो को या फिर जो एक सभ्य संस्कार विचारधारा है जो हमारी विनयशील, उसको पोषित करेंगे आप? किसे? आप खुद चुन के बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में. अब आगे सुनिए, द मोमेंट यू बिकम अवेयर ऑफ ईगो इन यू, इट इज स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नो लॉन्गर द ईगो बट जस्ट एन ओल्ड कंडीशनड माइंड पैटर्न. ईगो इंप्लाइज अनअवेयरनेस. अवेयरनेस एंड ईगो कैन नॉट कोएग्जिस्ट. इसका अर्थ क्या है? अब इसका अर्थ है कि जहां अहम है वहां जागृतता का कोई स्थान नहीं होता. क्यों? क्योंकि अहम ही इतना है कि वो कुछ स्वीकारने को, मानने को या समझने को वो तैयार ही नहीं होता. तो इसको क्या कहते हैं? ईगो एंड अवेयरनेस. अवेयरनेस इज इक्वल टू जागृतता. जागृतता कहाँ, कैसे होती है? हम जागृत कैसे होते हैं? तो हम जब सब सीखने के लिए तत्पर होते हैं, जब हम कुछ स्वीकार करने के लिए तत्पर होते हैं. स्वीकार से मेरा मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपको रोड पे आके 5 रुपए दे दिए तो आप स्वीकार कर लो. मैं ये नहीं कह रही, आई एम नॉट सेइंग दिस. मैं स्वीकार करने का अर्थ क्या है, ये है कि कुछ भी हमारे सामने नया तथ्य आता है, नई बात आती है, या फिर हम जिस विषय में जानते हैं उसी विषय में कोई दूसरा व्यक्ति दूसरी बात लेकर आता है, एक सोच लेकर आता है, तो उस सोच को भी हम अपनाते हैं. तो इसको क्या कहते हैं? जागृतता, अवेयरनेस. तो ये अवेयरनेस है जो हम में, जागृतता है, वो अहम के साथ कभी भी अस्तित्व में नहीं रह सकती एक साथ. या तो अहम होता है या तो जागृतता होती है, अवेयरनेस. सो आपके अंदर क्या है, अवेयरनेस या ईगो? आप खुद तय कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा रहा आपके लिए. क्या आपको सच में कोई अच्छी तरह से, मैं कहूँगी कि एक जिंदगी में मोड़ मिला जहाँ पे आप खुद को जांच सके, खुद को परख सके, किस तराजू में हम जो इंसान हैं उस तराजू में, और अहम को उस तराजू से टाटा बाय बाय कर सकते हैं या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. एंड विद दिस आई एंड टुडेज एपिसोड. आई होप दिस हैज बीन अ वेरी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन फॉर यू ऑल एंड अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ एट वॉट एवर स्टेज और एट वॉट एवर फेज यू आर. सी यू सून इन अदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ मोटिवेशन मैग्नेट. Thank you.